हज की आयत नंबर तेईस हज का तीसरा रुको और सतरवें पारे का दसवा रुको। अल्लाह रबालमी ने शाद फरमायाति बेशक अल्लाह दाखिल करेगा उन्हें जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, जन्नातिन जन्नतों में यानी अल्लाह ताला ईमान वालों को जिन्होंने अच्छे काम किए उन्हें बागों में जन्नतों में दाखिल फरमाएगा तजरी मिन तहतिहल अनहारु, जिनके नीचे नहरें रवा दवा है युह नफीहा इसमें पहनाए जाएंगे सोने के कंगन और मोती ऐसे कंगन ऐसे मोती पहनाए जाएंगे कि उनकी क्या चमक होगी कि त्रिवेदी शरीफ में फरमाया ऐसे जिनकी चमक मशरक से मगरब तक रोशन कर डाले व लिबासम फी हरीर और वहां उनकी पोशाक उनका लिबास रेशम है जिसका पहनना दुनिया में मर्दों को हराम है बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस में है सैयद आलम सल्लल्लाहु वही वसल्लम ने फरमाया जिसने दुनिया में रेशम पहना आखरत में ना पहनेगा यानी यह मुराद ये है कि जो मर्द दुनिया में रेशम पहनेगा आखरत में वो रेशम नहीं पहन सकेगा इसलिए मर्दों को रेशम पहनना सोना पहनना चांदी पहनना जेवरात पहनना ये मना है हाँ औरतों के लिए चीज़ें हलाल है वह तो बी मीनकौली और उन्हें पाकिज़ा बात की हिदायत की गई यानी दुनिया में पाकिज़ा बात की हिदायत की गई पाकिज़ा बात से मुराद तोहीद है, और कलमा तो हमीद है वहुदू इला से गौतल हमीद और सब खूब सराहे की राह बताई गई यानी इन्हें अल्लाह वाह शरीक जो हमीद है उसका रास्ता बताया गया दुनिया में अल्लाह का दीन इस्लाम उन्हें समझाया गया अल्लाह इन लोगों में हमे शामिल फरमाए इन कफर बेशक वो जिन्होंने कुफर किया, और रोकते हैं अल्लाह की राह से हराम और इस अदब वाली मस्जिद से हराम का यहाँ मतलब है मोहतरम यानी अल्लाह की राह से रोकते हैं दीन इस्लाम में दाखिल होने से रोकते हैं इस अदब वाली मस्जिद से रोकते हैं उसमें से रोकते हैं इबादत से रोकते हैं ये आयत सुफियान बिन हर्ब वगैरह कुफार के बारे में नाजिल हुई जिन्होंने सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के मुकर्रमा में दाखिल होने से रोका था मस्जिद हराम से या खास मौजमा मुराद है जैसा कि इमाम शाफी फरमाते हैं तो इस सूरत में माना ये होंगे कि वो तमाम लोगों का किबला है खान काबा वहाँ के रहने वाले और परदेसी सब बराबर है क्योंकि आगे फरमाया, "والمسجد الحرام वन्ना جعلناه सवा अनिल आक فيه वलबाद उस अदब वाली मस्जिद से रोकते हैं जिसे हमने सब लोगों के लिए मुकर किया कि इसमें एक जैसा हक है वहां के रहने वाले का और परदेसी का तो हजरत इमाम शाफी फरमाते हैं कि यहाँ मस्जिद हराम से मुराद खान काबा है काबा मौजमा है ये तमाम लोगों का किबला है वहां के रहने वाले और बाहर से आने वाले सब बराबर है सबके लिए इसकी ताजीम हरमत और इसमें मनासी के हज अदा करना यकसा है तवाफ व नमाज की फजीलत में शहरी और परदेसी के दरमियान कोई फर्क नहीं हजरत इमाम आज़म आजमीफर अदी तु के नजदीक यहाँ मस्जिद हराम से मक्कई मुकर्रमा मुराद है यानी पूरा हरम शरीफ मुराद है हदूद हरम इस तकदीर पर माना ये होंगे कि हरम शरीफ शहरी और परदेसी सब के लिए यकसा है इसमें रहने और ठहरने का सब को हक है बजुज इसके कोई किसी को निकाले नहीं इसीलिए इमाम साहेब मक् मुकरमा की जमीनों की बै और इसके किराए को मना फरमाते हैं जैसा कि हदीस शरीफ में सैद आलम सल वसल्म ने फरमाया मक् मुकरमा हराम है इसकी जमीने फरोख्त तो न की जाए आगे शायद फरमाया वमई यूरिद फी बिल्हाद मिजुल और जो इसमें किसी ज्यादा का नाहक इरादा करे नज मिन आजा बिन अलीम हम उसे दर्दनाक आजाब चखे नाहक ज्यादा से शिरक और बुतपरस्ती मुराद है बाद मुफसरी ने फरमाया कि नाक ज्यादा से हर वो गुफ्तु और हर वो फेल मुराद है जो नाजायज हो यहाँ तक के मक् मुकर की हदूद में नौकर को गाली देना भी एक ऐसा अमल है कि जिससे फिर दर्दनाक अजाब मिलता है बाद ने कहा कि इससे मुराद है हरम में बगैर एहराम के दाखिल होना मना है और इसी तरह हरम में जिन चीजों से मना किया गया उसका करना मना है मसलन हरम में शिकार करना मना है दरक काटना मना है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया मुराद ये कि जो तुझे कत्ल ना करे तो उसे कत्ल करे या जो तुझ पर जुल्म ना करे तो उस पर जुल्म करे शानजल यह है कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास तआला तनुमा से मरवी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स अब्दुल्ला को दो आदमियों के साथ भेजा था जिनमें एक मुहाजिर था दूसरा अंसारी इन लोगों ने अपने खानदानी नसब पर फ़ख़र किया तो अब्दुल्ला को गुस्सा आया इसने अंसारी को कत्ल कर दिया और खुद मर्तद हो गया और मक्के मुकर्रमा की तरफ भाग गया तो इस पर यह आयत करीमा नाजिल हुई अल्लाह आलमीन मुकद्दस सरजमीन का हरे को अदब नसीब फरमाए और बार बार अपने क़रम से हाजिरी नसीब फरमाए